फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सन से बने के। दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सर के तरफ से दोस्तों ट्वीट आया हुआ है जो कि सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सभी शिक्षक जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या ट्वीट किया है। दोस्तों, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों, शिक्षा मंत्री माननीय प्रोफेसर चंद्रशेखर सर का ट्वीट है। दोस्तों, उन्होंने नोट करके लिखा है, सामान्य प्रशासन विभाग की सूचना के द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2022 को सामान्य अवकाश घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों में भी छात्र छात्राओं शिक्षकों के लिए अवकाश रहेगा। दोस्तों, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए अवकाश रहेगा। यह GAD की अधिसूचना है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना है जो सभी विभागों एवं कार्यालयों पर प्रभावी रहेगी और शिक्षा विभाग में भी ये प्रभावी रहेगा। दोस्तों, और छात्र छात्राओं के साथ साथ शिक्षकों के लिए कल अवकाश रहेगा। ये बड़ी ट्वीट शिक्षा मंत्री जी की तरफ से किया गया है। दोस्तों, ये देखिए, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई थी और इसी में यहाँ पे देख लीजिए, हरि मंदिर जी पटना साहिब के पत्रांक और यहाँ पे आप देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व जो कि 5 जनवरी 2023 के स्थान पर दिनांक 29 दिसंबर 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, और 5 जनवरी 2023 को जो अवकाश होता था उसके जगह पे अब 29 दिसंबर 2022 को ही इसे अवकाश घोषित किया गया है। दोस्तों, और यही छुट्टी आपको कल 29 दिसंबर के दिन दिया गया है जो कि सभी शैक्षणिक संस्थानों पर प्रभावी होगा।